नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका विलोमास किचन एंड ट्रैवल में। आज मैं लेमन का अचार बना रही हूँ और ये मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। ओनम में ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिश है। तो ये जो लेमन का अचार है, ये वाइल्ड लेमन है, ये बहुत ही बड़ा होता है। तो मैंने एक मीडियम साइज़ का यहाँ पे लेमन लिया है, उसके छिलके को अच्छे से पील कर लिया है और इस तरह से हम इसे चॉप कर लेंगे। थोड़ा सा मोटा रखेंगे पीसेस को, क्योंकि जब ये अचार बनेगा इसका तो ये गल जाता है, तो इसीलिए हम इसका पीसेस जो है थोड़ा बड़ा काटेंगे। तो ये जो लेमन है ये थोड़ा सा कड़वा होता है। नॉर्मली अगर आपको बिना कड़वा वाला लेमन मिल गया तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन मैंने जो अचार बनाया था वो थोड़ा कड़वा बना था, लेकिन इसका टेस्ट ही ऐसा है। तो ये जो अचार जो है खट्टे के साथ साथ हल्का सा कड़वा भी होता है। तो ये देखिए, ये मैंने लेमन के पीसेस काट लिए हैं। अब इसे हम एक बर्तन में रख लेंगे। तो यहाँ पे करीबन 2 कप होगा, मैंने आधा कप लिया है लहसुन। और यहाँ पे देखिए, मैंने कढ़ाई में तेल चढ़ा लिया है, राई डाल दिया है, ये हम डाल देंगे मेथी के दाने 1 टीस्पून, साथ ही डाल देंगे लाल सूखे मिर्च और लहसुन। लहसुन करीबन मैंने आधा कप लिया है, 2 कप लेमन है तो आधा कप मैंने लहसुन लिया है। तो अच्छे से सब फ्राई कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और मैंने डाल दिया है इसमें लेमन। मिक्स कर लेंगे अच्छे से। तो ये जो है इंस्टेंट अचार बनती है इसकी, आपको इसको धूप में रख के सुखाने की ज़रूरत नहीं है, ये इंस्टेंट अचार है। तो ये देखिए, अब मैं इसमें डालूँगी हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच और स्वाद अनुसार नमक भी डाल दूँगी। अचार है इसलिए हम नमक और मिर्ची का जो पाउडर है ये थोड़ा ज़्यादा हम डालेंगे, क्योंकि ये अचार है। और थोड़ा सा भून लेंगे हम इसे। देखिए, अचार जो है अच्छे से भून चुका है। तो अब हम गैस ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा कर लेंगे। अचार जो है ठंडा हो गया है, अब इसमें हम डाल देंगे 1/2 कप विनेगर और हमारा अचार जो है तैयार है। आशा करती हूँ आज की ये रेसिपी आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।